आज का जो लोग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जाने वाले हैं चैट जो है पूरा पैदल का रास्ता है, और आप देख सकते हैं पीछे ये हमारा गांव कल्लून, और ये सामने लगे हुए से ये पूरे सेब के पौधे लगे हुए यहाँ पे। और मौसम तो आज काफ़ी ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। और मैं और लवली भाई जा रहे हैं बारिश में, दो भाई आगे चले गए हमारे। और ये खेत आज कल पूरे खेत गाँव के हो रखे हैं येल्लो येल्लो, तो मिलते हैं तब आगे आपको। ये हमारे गांव का मंदिर जहाँ से हम ले जाते हैं पानी सुबह शाम, तो पानी आता है ऊपर से वहाँ से। दो चार दिन से ऐसा है ना कुछ की बारिश बहुत ज्यादा आ रही है, कभी भी आ जा रही है बारिश, बर्फ पड़ने के भी काफी चांस है। अभी बरसात साइड जो कि हमारे गांव से दिखता है साफ, उधर काफी बर्फ पड़ी हुई है। और ये रास्ता मैं बता दूं, ये रास्ता जाता है उड़ाखिल के लिए, खितेदार के लिए जो हमारे गांव में पड़ता है, और चैड के लिए भी जाता है। यहाँ से हम पाबो भी पैदल जा सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ कमल एंड यू आर वॉचिंग ट्रैवल विद कमल। तो स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में, तो देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी कुछ दिखाएंगे आज वीडियो में। ये सामने है जो पूरे हमारे गाँव के खेत हैं, काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं आज। तो ये अपना गांव है पूरा, और ये पूरा अपने गांव का जंगल है हमारे गांव का। और लेमन ग्रास भी लगा हुआ है यहाँ पे नीचे, बरसात में काफ़ी हरा भरा होता है। तो अगर आपको लेमन ग्रास चाहिए चाय के लिए, चाय में डालने, तो आप हमारे गांव आ सकते हैं, फ्री में ले जा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी चाय होती है लेमन ग्रास की। और यहाँ से आगे गाँव पड़ता जो है उड़ाखिल। ओह माय गॉड, बारिश हो चुकी है, तेज आनी स्टार्ट, काफी तेज। तो आज थोड़ा तबीयत हो रखी है खराब, जुकाम लगा हुआ है, काफी दिक्कत हो रही है। और सामने आप देख सकते हैं ऊपर मेरे काफल का पेड़, और ये रास्ता जो जाता है ये वाला लेफ्ट से उड़ाखिल खितेदार के लिए जाता है, जो कि हमारे गांव का ही पार्ट है। तो गाइस, जो आपको नीचे घर दिखाई दे रहे हैं ये वाले और ये वाले, ये है गांव उड़ाखिल। तो मिल चुके हैं हमको मनीष भाई और नितिन भाई, सामने देख सकते हैं आप खितेदार, और हम जाएंगे वहाँ पर नीचे चैड़ गाँव में। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है, बाइक लेके नीचे जाएंगे क्योंकि रोड है, रोड वैसे कच्ची है पर। तो धीरे धीरे चल ही रहे हैं हम, यहाँ से रोड पहुँचने में हमें लगेगा 5 मिनट लगेंगे ओनली। दिखा देते हैं आपको सामने से रास्ता, यहाँ से जिग जैक तब सीधे ऊपर, और वहाँ पर खड़ी है हमारी बाइक। मैं और लवली भाई जा रहे साथ में, दो भाई निकल के नीचे, और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है हमको चैड़ गांव। और आप पहुँच गए हम रोड पे सामने सिकू गांव ऊपर, एक दो घर दिखाई दे रहे हैं वहाँ के। तो गाइज आप देख सकते हैं ये पूरी कच्ची रोड है, ये ऊपर सिकू से यहाँ तक की पूरा 8 किलोमीटर होगा, पूरी ऑफ रोडिंग है, कुछ टाइम बाद बनी जाएगी पक्की। वैसे मैं इस रोड में काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, और ये चट्टान देखो आप, कितनी तगड़ी चट्टान है ये वाली, बहुत ही तगड़ी। तो धीरे धीरे चल ही रहे हैं हम, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, बूंदाबांदी हो रही है। हाँ, अगर किसी को जंगल साइड घूमना काफ़ी अच्छा लगता है तो आप इस जगह आ सकते हैं, क्योंकि ये जंगल है जो चीड़ का, काफ़ी शानदार व्यू आता है यहाँ पे, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। और यहाँ से अगर आप पैदल जाते रोड पाबो के लिए भी मिलती है। वैसे पहले चैड़ के लोग पैदल ही आते थे ऊपर तक, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था कुछ भी सामान लेने के लिए, जैसे पौड़ी जाना हो तो यहाँ से पूरा पैदल आते थे, तो ये पूरा 2-3 किलोमीटर पड़ जाता था, काफ़ी ट्रैक था। तो अब रोड आने के कारण काफ़ी सुविधा हो गई है, वैसे रोड पक्की नहीं है बट ना होने से तो सही है। और सामने दिखाई दे रहा होगा आपको ये रास्ता जो जाता है, यहाँ से जा सकते हैं खेतेदार पैदल, सामने खेतेदार है, और यहाँ पे पैदल का रास्ता भी है चैड़ के लिए। यहाँ से पहले हम काफ़ी आते थे यहाँ पे,
अब तो जब से रोड बनी है हम भी नहीं आते, क्योंकि इतना काम पड़ता नहीं है, ज़्यादातर काम हमारा पौड़ी मार्केट में ही पड़ता है। और दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम चैट पे। यहाँ से आगे ज़्यादा रोड नहीं है, कच्ची रोड है पूरी, और ख़राब रोड है, फिनिशिंग भी नहीं है। और जो मंगली गाँव है ये चैट में नहीं आता, ये आता है सीकू में, ग्राम सभा सीकू में आता है। और यहाँ से सीकू जाने के लिए पहले पुराना रास्ता भी था, अब तो लोग कम ही जाते। सामने दिख रहा है आपको पुराना रास्ता है, जंगलों के बीच से होकर जाता है, काफ़ी घना जंगल है ऊपर, बहुत ही घना। यहाँ पर रोड तो काफ़ी खराब है, ओह माय गॉड। अब ये है आपको, ये है टांडी गाँव, साधन स्थापित। तो पहुंच चुके हैं हम चैड़ गांव के स्टैंड में, यहाँ से पैदल ही जाना है हमको। ये वाला रास्ता है सामने, पहले गाड़ी लाने में गौर करो। और सामने जो आपको दिख रहा है ये है कोलधार, जो कि चैड़ का ही हिस्सा है। ओ किच पी चुणु बल बिजाम है। और यहाँ देखो आगे रास्ता टूटा हुआ है रोड के कारण, क्योंकि जब रोड की खुदाई होती तो रास्ते भी टूट जाते हैं, ऊपर से पत्थर आए होंगे आई थिंक, तभी पूरा ख़राब हो चुका है रास्ता, और खेत भी दब चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखो रास्ता काफ़ी है ख़राब, क्योंकि रोड के कारण जो रोड आई थी ऊपर जो खुदाई हुई थी, वो तो रोड के कारण ये रास्ता भी पूरा ख़राब हो चुका है। और नीचे आपको दिख मंदिर है चैड़ गांव का महादेव, और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर, महादेव का मंदिर। पहले यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी हुआ करता था काफ़ी बड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे सामने, अब काफ़ी बड़ा पेड़ था, पूरा फैला हुआ था मंदिर के ऊपर, अब सूखने के कारण काट दिया है। सिद्धेश्वर महादेव है ये यहाँ पर, तो व्यू कुछ ऐसा है मंदिर का। गमले भी लगे हुए हैं, वैसे यहाँ हर साल भंडारा भी होता है ना। इस बार कोरोना के कारण नहीं हुआ है, वैसे हर जगह जहाँ भी हमारे साइड में पौड़ी गढ़वाल साइड में मेले थे, कोरोना के कारण मेले भी नहीं हुए हैं, तो मतलब काफ़ी दिक्कत। और एक गांव का है पनेर चैड़ गांव का, लोग यहां पर पानी भरने आते हैं सुबह, हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है पनेर की, रिपेयर होना चाहिए, देखते हैं तब कब होता है। निकल रहे हैं हम धीरे धीरे पैदल का रास्ता ही, अभी ऊपर से आए थे वहाँ से, और पीछे देखो हर जगह आजकल सरसों दिख रही है, पीले पीले खेत, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। मैं और लवली भाई चलते ही जा रहे हैं। वैसे जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो उस टाइम ये रेलिंग नहीं थी, अब लग चुकी है, मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है गांव का, डेवलप हो रहा है गांव। नमस्ते ठीक छा, मौसी नमस्ते, जेठमा नमस्ते, करे नमस्ते कर रहे एक हम तो अभी को मूडी मत जत छती तो एहन को जे हम चलो ठीक था, अब रूल चेंज हो गया, अब बटे अब है कदन बटे कर लो ना फोटो खिंचवा दो ना वीडियो बनाऊं मेरे सुबह ना डाले ये तो जाने का वो देख सकते हैं आप पहाड़ के लोग कहां से कहां चढ़ जाते हैं घास के लिए। तो यहां से जाएंगे हम ऊपर, क्योंकि जो गांव का व्यू आता है ऊपर से काफी अच्छा आता है, और ये रास्ता जाता है जो पाबो के लिए चल जाता है पैदल रास्ता, पाबो यहाँ से पहुँचने में लगते हैं 1 घंटा लग जाता है अगर धीरे धीरे जाएं तो। पर हम अभी आए हैं वहाँ ऊपर से, सामने दिखाई दे रहा हमारा गांव इस पहाड़ के पीछे, और ये घर जो लगता है काफी पुराना घर लगता है, शायद 100 साल तो हो ही गए होंगे। गढ़वाल में इस तरह के घर काफ़ी देखने को मिलते हैं, और जी है यहाँ पे पत्थर के बने हुए, निमदेरी बोलते हैं इसको। आप देख सकते हो पुराने घर के जो गेट होते थे, दरवाजे होते थे, काफ़ी छोटे होते थे। और ये गाइस ये पूरा गांव है चैड़, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बारिश धीरे धीरे आ रही है, और ये है गांव पूरा चैन। सो गाइस बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, काफ़ी ठंड हो गई है अब तो, कभी बारिश आ रही है तेज कभी कम, और मौसम हो चुका है बहुत ही ठंडा। तो अभी हम चैड़ गांव में थे, तो पता चला कि यहाँ पर शादी भी हो रही है, तो आपको शादी में भी दिखाएंगे पहाड़ की शादी कैसे होती है।
आपको इंसिडेंस ही है कि हम यहाँ घूमने आए थे और यहाँ शादी भी हो रही है, तो दिखाएंगे आपको। तब सामने आ चुकी है बारात मेरे पीछे। गांव के ऊपर चेड़ गांव के ऊपर मेला चेड़, और ये नीचे दिख रहा है आपको, ये है मुल्या चेड़। मतलब दो चेड़ गांव है, तो नीचे वाला चेड़ है। और सामने जो आपको रोड दिखाई दे रही है, ये जाती है पाबो के लिए। यहाँ से पाबो है 5 किलोमीटर, और वो सामने जो रोड दिखाई दे रही है वो ऊपर वाली, वो ताल चंपेश्वर के लिए जाती है पाबो से। अभी हम कुछ दिन पहले ऊपर भी गए थे वहाँ। ये दमदेवल वाली रोड है उधर ऊपर, और वहाँ पड़ी चुकी है काफ़ी बर्फ ठंडा होने की वजह से। एक या दो दिन में यहाँ भी पड़ जाए, जैसे यहाँ पे बर्फ पड़ती है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो सामने देखो गाइस कितना अच्छा मौसम हो रखा है, ठंड हो गई है काफी और ज्यादा, और बादल भी आ रखे हैं पूरे, ये कोहरा लगा हुआ है। बात है ऐसी कि गांव में आ रखी थी बारात, तो हम वहां भी चले गए, थोड़ा जान पहचान वाले मिल गए थे, मैं और लवली भाई, तो काफी मजा आया। और अब बज चुके हैं शाम के 5 और निकल रहे हैं हम घर को, तो हमें घर पहुंचने में लग जाएगा पूरा आधा घंटा बाय रोड। अगर पैदल जाएं तो पैदल जाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, पूरा 1 घंटा। तो चेड़ आते वक्त आए थे हम उस रास्ते, वहां से रोड है वहां पर एंड, और यहां तक है वैसे रोड पर, यहां तक आगे सही नहीं बनी हुई है, तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर के रास्ते, और वहां पर खड़ी है हमारी गाड़ी। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे किसने खोदा हुआ है। एक्चुअली ऐसा होता है कि पहाड़ों में जंगल में एक फल होता है जिसे बोलते हैं तेड़ू, तो सब्जी होती है वो तेड़ू, एक जिसे बोलते हैं तेड़ू, तो उसकी जड़ खाई जाती है, काफ़ी टेस्टी होती है, सब्जी बनती है उसकी। तो देखो कितनी मेहनत कर रखी है लोगों ने। अच्छा, तो गाइस आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ से हम चेड़ गए, चेड़ से वापस आए, बज चुके हैं 5:30, और ठंड भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, हाथ ये वाले में सुन हो गए बाइक चला के, और बस पहुँचने वाले हैं अब हम घर, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताएँ, और लाइक द वीडियो। टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर, हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं।